हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है टेक्नो थिंग्स। यहाँ पर हम टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मैं टेक्निकल अपडेट्स वगैरह आपको देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे इस पेन ड्राइव के बारे में, यानी कि ये जो पेन ड्राइव है और इसको हम जब अपने लैपटॉप या पीसी से अटैच करते हैं तो किन सावधानियों का हमको मतलब ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारा डेटा करप्ट ना हो। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि ये तो हमारा एक पेन ड्राइव है और ये हमारी 32 GB की पेन ड्राइव और इसको USB 2 है ना कि 3 है, ये ध्यान रखिएगा। USB 3.0 जो होता है वो यहाँ पे नीला रहता है और ये रेड है, यानी कि ये 2.0 है, पुराना वर्जन अपग्रेडेड आ गया जिसमें हाई स्पीड आपको मिलती है। और 2.0 क्या होता है, ये बस होता है, बस के सीरीज या अपडेटेड वर्जन आप इसको बोल सकते हो। USB पोर्ट का यूनिवर्सल जो हमारा यहाँ पर सीरियल बस USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म भी है। तो हमको ये याद रखना है कि जब भी हम इसको लगाते हैं अपने लैपटॉप के पोर्ट में या फिर यहाँ पर पीसी के पोर्ट में, तो हमने लगाया और इसमें हमने डेटा इससे कॉपी किया या इसमें डेटा पेस्ट किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने लगाया और सीधे उसको हम निकाल लेते हैं। अगर आपने सीधे उसको निकाल लिया तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें जो डेटा आपने डाला है वो यहाँ पर करप्ट हो जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट कभी भी ना निकालें, आप पहले चीज ध्यान रखें कि लगाएं तो उसको डायरेक्ट ना निकालें। अब कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइड में आप मेन्यू देख सकते हैं कि आप अपने पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर इजेक्ट का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करें तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको इजेक्ट कर देगा और फिर आप सेफली अपने ड्राइव को निकाल सकते हो, जो ये वाली ड्राइव है। अब ऐसा क्या होता है कि हम इजेक्ट करते हैं तो इसमें डेटा करप्ट नहीं होता है, क्या होता है, आपने जब लगाया इसको पोर्ट में तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके लैपटॉप से इंस्टॉल होता है और फिर एक कनेक्शन बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, और कनेक्शन जैसे ही बना उसके बाद इसमें फाइल ट्रांसफर हुई तो प्रोसेसर को ये पता चल रहा है कि अभी ये डिवाइस कनेक्टेड है। आपने जैसे ही इजेक्ट किया, इजेक्ट पे क्लिक किया, सिस्टम को जो है OS ने निर्देश दिया कि भैया ये वाली जो ड्राइव है अब निकलने वाली है, हमारे सिस्टम से हटने वाली है, तो इसमें जो भी प्रोसेसिंग चल रही है कृपया उसको डिसेबल कर दें। यानी कि जैसे ही इसको सिग्नल मिला उसने पूरी प्रोसेसिंग जो भी चल रही थी उसको डिसेबल किया, जो फाइल कॉपी हो रही थी वो सेफली उसको कॉपी करके उस प्रोसेस को बंद कर दिया गया और फाइल इसमें आ गई। तो इस तरीके से आप निकालोगे तो कभी करप्ट नहीं होगा। सबसे ज्यादा पेन ड्राइव खराब होते हैं इसीलिए क्योंकि हम लगाते हैं और डायरेक्ट उसको खींच लेते हैं, और ज्यादातर आजकल न्यू जनरेशन की बात करें जो नया आ गया है 3.0 उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आपका जो लैपटॉप का पोर्ट भी है 3.0 और यहाँ पर पेन ड्राइव भी है तो हाई स्पीड तो मिलेगी, लेकिन हम जैसे ही कॉपी करके निकाल लेते हैं कभी कभी फाइल रह जाती हैं, लेकिन मोस्ट केस में ये आपकी करप्ट होने की समझ, जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप कॉपी करोगे तो वो करप्ट हो जाएगा आपका, कुछ exe फाइल, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल आप करोगे कॉपी, जैसे RAR वगैरह इसमें कॉपी करोगे और डायरेक्ट इजेक्ट कर लेते हो तो मेनली जो है ये रिमूव हो जाता है। तो इन चीजों का हमको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि लगाएं तो उसको सेफली इजेक्ट करके ही पेन ड्राइव निकालें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालते हो तो मे बी पेन ड्राइव भी करप्ट हो जाए, उसके अंदर जो फाइल है वो भी यहाँ पर करप्ट हो सकती है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।